देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 2021 में पूछा गया, कितना बढ़िया है। कह लगे अभी तक तो आप MLT पढ़ते थे, अगर आपको FLT दे दिया जाए, यानी फोर्थ लेंथ टाइम दे दिया जाए, कहा जाए डेंसिटी को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? बड़े आराम से कर लेंगे। आप लिखेंगे जो डेंसिटी है, मान लीजिए डेंसिटी को आपने डी कह दिया, ठीक। इसकी डायमेंशन लिखनी है किस टर्म में, फोर्थ लेंथ और टाइम में। तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ लेंथ टाइम, यहाँ एक्स वाई जेड कर लीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपने कहा मास पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर ले आए, पेपर सॉल्व कर रहा हूं इतना तो आपको मालूम ही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स हमेशा कहता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन, लेंथ तो लेंथ है ही, टाइम तो टाइम है ही, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब बस कंपेयर कर लीजिए, काम बन जाएगा। तो ये हो गया ML-3। अब M की इकट्ठा करो, बहुत बढ़िया एक ही है, L की इकट्ठा करो, यहाँ से X मिला, यहाँ से Y मिला, T की इकट्ठा करो, यहाँ से 2X, यहाँ से Z। अब कंपेयर कर लीजिए, वैल्यू मिल गई, M इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो X इज इक्वल टू 1 हो गया। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, -3 के, एक्स प्लस वाई बराबर -3। तो एक्स की वैल्यू रख दी आपने, आप देखिए इंटेलिजेंट हो, माइनस ले आओगे तो -4, और जेड यहां से निकल आएगा, ये है आपका -2x प्लस जेड इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है यानी टाइम नहीं है, तो टाइम की पावर 0 कर दीजिए तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, ठीक। 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं होने वाला, तो टाइम से कंपेयर कर लिया 0, इसका मतलब जेड बराबर 2x, एक्स आपका क्या था बेटा 1 था, तो जेड आपका हो गया 2। इसका मतलब है कि आपका जो डेंसिटी की डायमेंशन है, एक्स कितना है बेटा 1 है, लेंथ में वाई कितना है बेटा -4 है, टाइम जेड कितना है बेटा 2 है, तो आप कह सकते हैं FL-4T2। एम राइट? तो ये चीज है, बस इसी से आप लोग फटाफट फटाफट चीजों को कैलकुलेट करते रहते हैं।